तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, जी हाँ। मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। माशाल्लाह। मेरा नाम शुमाइला है जी। शुमाइला साहिबा, ये मेरी दोस्त है बानो आपा, ये इनके दोनों बेटे हैं और ये इनकी बेटी है। अच्छा। जैसा ये मेरी पुरानी दोस्त भी रह चुकी है और 20 से 25 साल पुरानी पड़ोसन भी रह चुकी है। अच्छा। जैसा कल मैं शॉपिंग के लिए गई, मैं जब मॉल से बाहर आ रही थी तो मैंने देखा, दूर से मेरी नज़र पड़ी एक फकीर पे जो भीख मांग रही थी औरत। मैं उनके पास गई और असल में 11 से 12 साल हो गए इनको हमारा मोहल्ले से शिफ्ट हुए हुए। अच्छा। मैं फिर इनके इनके पास गई, इनके करीब जाके मैंने देखा तो मेरा दिल दहल के रह गया कि ये वाकई ये बानो आपा हैं जो यहाँ बैठी हुई भीख मांग रही हैं। मैंने इनको अपनी तरफ और ये इतने ऐश से रहा करती थी, इतनी शान से रहा करती थी, क्या इनके ब्रांडेड कपड़े होते थे, क्या इनके शूज़ हुआ करते थे, और उस वक्त हम ये सोचते थे कि इनकी जैसी ज़िंदगी हमें भी नसीब हो जैसे ये जीती हैं। माशाल्लाह। फिर मैंने इनको अपनी तरफ मुतवज्जा किया और इनको ये मुझे देख के ज़ारो कतार रोना शुरू हो गई। मैंने इनको सीने से लगाया, मैं इनको अपने घर लेकर आ गई, इनको पानी पिलाया, इनको खाना खिलाया, इनके कपड़े चेंज करवाए, इनको सुला, इनको ये सब करके मैंने इनको सुला दिया। जब ये 13 से 14 घंटे की नींद ले रही थी तब मैं रात भर बेचैन रही जस्ताब, और मैं ये सोचती रही कि आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ जो ये भीख मांगने पे मजबूर हो गई, जिनके दो दो जवान बेटे, जिनके साहिब हैसियत दो दो जवान बेटे, एक बेटी, और उसकी माँ का ये हाल है कि वो बाहर बैठ के रोड पे भीख मांग रही है, आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ। जब ये पूरी नींद लेकर उठी तो मैंने इनसे, इन्होंने अपने जुल्मों की दास्तान मुझे सुनाई। जैसा आप इन्होंने मुझे अपनी जुल्मों की दास्तान सुनाई, इसके बाद ये हुआ कि मैंने इनका केस जो है आपके अदालत में लेकर आई हूँ, आप इनका मुकदमे का इनका फैसला करें और मुझे ये बताएं कि इनका आखिर क्या होगा, इनका क्या करेंगी इनकी औलादें जिन्होंने इनका ये हशर कर दिया। बड़ा मुश्किल केस है, अभी देखते हैं जी। अच्छा, फरमाएं, आप क्या फरमाती हैं? वालेकुम सलाम। मैं जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, माशाल्लाह, कुछ नहीं कहूँगी। ये मेरी दोस्त हैं शुमाइला, ये मुझे यहाँ तक लेकर आई क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत अच्छी, वरना ऐसे में तो लोग पहचानते ही नहीं हैं जी। इन्होंने मुझे पहचाना, मुझे हैरत हुई और मैं शुक्रगुजार हूँ इनकी, मुझे नहीं मालूम था यहाँ तक आना, और ये मुझे लेकर आए, मेरे हक़ के लिए लेकर आए। यहाँ ये मेरे बड़े बेटे बैठे हैं राशिद, और ये मेरी बेटी हैं, और ये मेरे छोटे बेटे हैं आसिफ। तो मैं भी इनसे बहुत दुख कर यहाँ तक पहुँच गई हूँ, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ तक आऊँ, मगर मैं क्या करूँ कि मैं रोड पर भीख मांग रही थी, मैं भूख ना मांगती तो क्या करती। कहते ना जैसे जब औरत भूखी मर रही होती है ना, तो वो भीख ही मांग के पेट भरेगी अपना, आया कि कुछ और नहीं कर सकती। जिसके दो जवान बेटे और उसकी माँ रोड पे भीख मांग रही, आखिर क्यों? ये आपसे पूछेंगे ना, ये हालात क्या हैं? जी, 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 जी। सिर्फ इसलिए कि मैंने इनकी शादियां करके अपने लिए एक मुसीबत पैदा कर ली। ओहो, अच्छा, कहानी शादी से शुरू हुई। जी, मेरे बच्चे बहुत अच्छे थे, मैंने जब शादी की उनकी अपनी पसंद से शादी हुई। अच्छा। शादी कर दी, बहुएं आ गई। अब बहुएं आई तो बहुएं बेटियां बनकर आती हैं, हमने भी सोचा, मगर हमें नहीं पता था कि हमारी बहुएं ही हमें डस रही है, बेटों को उल्टे सीधी पट्टी पढ़ाना और बेटों ने उन्हीं की सुनना। जब कमरे से बाहर आए तो इनका मुंह फूला हुआ, भाई क्या हुआ? कुछ ये बड़ी बदनसीबी है, ये आपका तीसरा चौथा केस मैं सुन रहा हूँ इसी टाइप का। जब पूछ रहे बेटे क्या बात है, कुछ नहीं अम्मी, अब मुझे तो नहीं मालूम कि पीछे से पुश किया जा रहा है इनको, या पीछे से इनके ऊपर कुछ ऐसी बुराइयाँ डाली जा रही हैं। बहरहाल मैं सुनती थी, खामोश होती थी, दिल बर्दाश्त रहती थी। बदतमीजियाँ करते थे, बदतमीजियाँ कर रहे, वो भी माँ है ना, माँ बर्दाश्त कर रही होती, मगर एक हद होती बर्दाश्त की। सही है। बेटी है, बेटी अपनी मर्जी की मालिक है, जो भाइयों ने उससे कह दिया, भाइयों ने इनकी बात। शादी हो गई है जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह इनकी शादी हुई है, और ये बहुत अच्छे अपने घर में रह रही है सुकून से। यही सब देख के कि चलो भाई अपने फर्ज से हम फारिग हो गए, मगर हम फारिग नहीं हुए थे, हम और मुसीबत में घिर गए। ये मेरे छोटे बेटे, इनकी भी शादी चंद दिन पहले हुई, चंद महीनों पहले, इन्होंने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, बड़े भाई की तरह, वही बीवी की तरफ दारी करना, वही सब कुछ करना। अल्लाह क्या माजरा है, हम इनकी खिदमत कर करके थक रहे, ये हमारी बुराइयाँ करके नहीं थक रहे।
मैंने देखा कि एक दिन मैं मशीन लगाई, मैंने कपड़े धोए, सब कुछ किया, तो शाम को मेरी बहू ने उठा के एक रुमाल धोने बैठ गई। छोटे बेटे साहब आ गए घर में, जब वो घर में आए तो उन्होंने बीवी को देखा कि वो कपड़े धो रही, कपड़े तो गीले टंगे हुए थे। वो अंदर गई तो उसने कहा कि चाय लाऊं आपके लिए, वो रुमाल फैला के आ गई, चाय लाऊं आपके लिए। तो वो तो समझे कि शायद मेरी बीवी ने सारे कपड़े धोए हैं, सारे धोए हैं, उनको तो ये दिखाना, वो भी घाट लगाई हुई है। उन्होंने कहा भैया आप तो तुम थक गई होंगी, चाय रहने दो, बैठ जाओ थोड़ी देर, मैं तुम्हारे पांव दबा देता हूं, इसको छोड़े, मैं नहीं थकी, आप बताएं मैं चाय लाऊं। मैं वो चालाकियां नहीं समझ सकी जय साहब, मैं वो बातें नहीं समझ सकी। ये उनके कहने में आके, बीवियों के कहने में आके जो बदतमीजी उन्होंने की है ना, मैं उनसे तंग आ चुकी हूँ। मेरी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया, मुझे जो मेरा हिस्सा था वो इन्होंने अपने नाम कर लिया। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे इनसे जो है मेरा हिस्सा दिलाया जाए। ये छोटा बेटा है, बीवी की मोहब्बत में इतना ओवर हो जाता है, इतना ओवर हो जाता है। जब मैंने इसको डांटा तो मुझे कहता है अपनी औकात में रहिए। अच्छा जैसा, मुझे ये बताइए कि एक मां कितनी औकात में रहेगी। झूठ कह रही है, मैंने अभी बेटा आपसे भी पूछते हैं, बड़ी दर्दनाक कहानी है, मैं तो सुन रहा हूँ, आप यकीन करें कि एक लफ्ज़ मेरे से नहीं निकला। जैसा ये बताइए कि मेरी औकात तो ये हो गई कि मैं आज रोड पे भीख मांग रही हूँ। अम्मी आपको भीख मांगने से किसी ने मजबूर नहीं किया है, मेरे बच्चे हैं, मुझे आप खुद से भीख मांग रही हैं, मुझे इंसाफ दिलाए दे। इनको अगर रोटी भी नहीं मिलती तो शायद ये पता नहीं कैसे उठती, इनका इतना बुरा हाल था कि आज ये पता नहीं कैसे आपसे बात कर रही है, वरना ये बात करने की बात के भी काबिल नहीं थी। इतना बुरा हाल था इनका। ये तो आपने सुलाया, 13-14 घंटे खाना खिलाया। अच्छा अच्छा, ऐसा मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इतनी बात कर सकती, मगर ये सारे जुल्म, सारे जो बातें हैं ना, जी मैं देखिए ये जो सामने खातून बताएं भाई, ये तो बड़ा अफसोसनाक, आपने भी सुनी है कहानी। जी जी, सामने जो खातून बैठी हैं, जी जी, बदकिस्मती से वो मेरी माँ है। मेरा कलेजा फट रहा है, मेरा अल्फाज साथ नहीं दे रहा जज साहब, लेकिन अव्वल और आखिर है तो ये मेरी माँ। जी, ये आधा सच बयान कर रही है जज साहब, आधा सच नहीं बोल रही। आप बता देना, मैंने अपनी पसंद से शादी, मेरी बीवी ने मुझे सेटल कराया डिफेंस में, मैं शिफ्ट हो गया, 6 महीने मेरी बीवी इनके साथ रही, इनके घर में इन्होंने इतनी झकझक बकबक करी, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो मुझे लेके अलग हो गए। अब मैं अपने ससुर पे, अपने सालों पे, यहाँ तक कि अपनी बीवी पे डिपेंडेंट हूँ। मैं अपना जेब खर्च भी अपनी बीवी से लेता हूँ, लेकिन इनके हालात को देखते हुए मैंने अपनी बीवी को काम क्या करते हैं, मैं कोई काम नहीं करता। क्या पढ़ा आपने? बस अपनी बीवी को कन्विंस किया, वो कन्विंस नहीं हो रही थी जज साहब, वो कहाँ पढ़ी लिखी खुद मुख्तार, कहाँ हमारे घर का माहौल, ये किसी के साथ एडजस्ट नहीं करती। हम मेरे दादा दादी ने इनको पाल पोस के जवान किया, अपने लाडले बेटे से, मेरे बाप से शादी करवाई, ना इन्होंने दादा दादी से वफा करी, उनको भी ताने तुशने देती थी। मैंने ये माहौल घर में सबसे बड़ा बेटा होने की वजह से, इसे मकाफात अमल भी कहते हैं, वो अंग्रेजी में कहते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप, जो बोगे वही काटोगे। तो ये जो आप कहानी बता रहे, खैर ये कोई आपको जस्टिफिकेशन नहीं देती, लेकिन आपने जो जुमला कहा कि इन्होंने अपने सास ससुर के साथ यही अशर किया, जो अब इनके साथ, मैं एक वक्फा लेता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं यहीं से। अच्छा, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आपसे। जी जी। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि इन्होंने अपने सास ससुर के साथ यही सलूक किया। यहाँ तक जज साहब, सास ससुर को तो आप छोड़ दें, सास ससुरों का, नंदो भावजों का, देवरानियों जिठानियों का, जो अजल से दुश्मनी है और अब तक रहेगी, वो चलती रहेगी। अपने शौहर से वो मलका से बैत की भी चल रही है अपनी बहू से मरने वक्त तक, बल्कि उसने कहा ये मेरे जनाजे में नहीं आएगी। लेकिन जज साहब, हमारे बाप से भी इन्होंने वफा नहीं करी, जैसे तैसे हम बचपन से अपने घर में माहौल देख रहे थे, उनको भी ताने तुशने ये देती थी, लेकिन आखिर हमारी माँ थी, हम इन्हें कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन शादियों के बाद फिर हमें सारी सी बातें, हमारी बीवियाँ आ गईं, तो इनकी भी सुननी है, तो बीवियों की भी तो सुननी है, और मैं तो टोटली अपने, आपने तो बहुत ज़्यादा सुननी है कि आप डिपेंडेंट ही उन पे हैं, रोटी कपड़ा और मकान। ये कड़वा सच है, लेकिन हाँ है, लोग मुझे जनमुरीद भी बोलते हैं, जोरू का गुलाम भी बोलते हैं, घर दामाद भी बोलते हैं, लेकिन हकीकत ये है, सच ये है, मैं इनको अपने घर ले आया। इन्होंने अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी, मतलब धुनिया दे रही हैं, जादू टोने कर रही हैं, चिल्ले काट रही हैं, मेरे 7 साल के बच्चे को, मासूम बच्चे को,
झूठ बोलने पे इन्होंने माचिस से उसकी जबान जला दी। ओए मतलब ये इनका खून जोश नहीं मारा, ये दादी नहीं है, मैं बेटा नहीं हूँ, मैं ये सब देखता रहा, मैं बेटा था मैं चुप रहा, मेरी बीवी चुप नहीं रही। आखिर को एक दिन 7-8 दिन में, मैं तो इनको सालों के लिए लाया था, 7-8 दिन में बीवी ने हाथ जोड़े कि इस औरत को इस घर से निकालो। मैं क्या करता, मैंने इन्हें धक्के दे के बाहर नहीं निकाला जज साहब, मैंने अपनी छोटी बहन को कन्विंस करा, ये शादीशुदा है, ससुराल वाली है, सास ससुर वाली है, शौहर वाली है। ये मान नहीं रही थी, लेकिन माँ की खातिर ये मान गई। मैं इस माँ को अपनी बहन के घर छोड़ाया। बोलो छोटी, बोलो तुम। जी जैसा। जी बेटा। अम्मी को भाई मेरे घर पे लेके आए और अम्मी सही रह रही थी। 5-6 दिन बाद वही अम्मी का बर्ताव शुरू हो गया कि अम्मी ने पूरे घर का माहौल खराब कर दिया। अम्मी को हर चीज से प्रॉब्लम होने लग गई कि तुम घर में सारा काम करती हो, तुम्हारी नंदे क्या करती हैं, तुम्हें मासी लेकर आए हैं, ये वो कोई काम नहीं करती, ये ऐसी हैं, इनकी ज़बानें ऐसी हैं, जबी तो इनकी शादियां नहीं हुई हैं। अब बताएं जैसे आप कि कोई सास ससुर ये बातें बर्दाश्त करेंगे, ये सुनेंगे? और मैं बहू हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे घर देखना है, सास ससुर को देखना है। अम्मी कहती हैं कि जो मैं कह रही हूँ ना वो सही है, वो मानो। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, ससुराल में रहती हूँ तो मुझे ससुराल वालों के तौर तरीके से चलना पड़ेगा। तो मुझसे जितना हो सका मैंने अम्मी की खिदमत करी, अम्मी को समझाया। भाभियों को समझाती हूँ तो अम्मी को लगता है कि अम्मी के अगेंस्ट बोल रही हूँ मैं, कि मैं भड़का रही हूँ, मगर अम्मी समझने के लिए तैयार नहीं है। अम्मी कहती है कि जो मैं कह रही हूँ ना बस वो ठीक है। अम्मी ने यही घर का माहौल ख़राब कर दिया, इतना ख़राब कर दिया कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं जॉब पर जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊँ तो अम्मी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, नज़र ना आए मुझे, क्योंकि मैं मज़ीद और इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मुझे भी अपना घर देखना है जैसे साहब, अपना ससुराल। तो मैंने फिर छोटे भाई को कॉल की कि भाई आप आके, आप शायद अम्मी के इतने लाडले हैं, आप सुन लेंगे अम्मी की बात कि अम्मी क्या चाहती हैं। अच्छा। तो फिर भाई आए अम्मी के पास, अम्मी को लेने के लिए। जी आप भी वालेकुम जसाब। रमशा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब मैं अम्मी को वहाँ से लेके गया, अपने घर लेके आया, मुझे ये लगता था कि ये दोनों रखना नहीं चाहते, इस वजह से अम्मी को मेरे सुपुर्द कर रहे। अच्छा जब मैं घर में लेके आया, घर में अम्मी को रखा, अम्मी की खिदमत की, जितना मेरे से हो सका मैंने अम्मी की खिदमत की, तो अम्मी का बर्ताव वैसा नहीं था जैसे शादी से पहले था। भाई ने पसंद से शादी की है, मेरी तो खुद अम्मी लाई है पसंद करके कि बेटा तू, मैं तेरे, तू मेरा लाडला है, मैं तेरे ब्याह में करवाऊंगी, और पसंद से भी खुद लाई है शादी करके। अच्छा जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो बाहर पीछे से मुझे कॉल पे कॉल के आज ये किया तुम्हारी बीवी ने, आज वो किया। मैं ऑफिस का काम देखूँ या घर के ये सारे मसले मसाइल देखूँ, मैं डिप्रेशन में आ गया। मैं यहाँ तक के डिप्रेशन में आ गया कि मैं जॉब छोड़ने के लिए तैयार था। बचपन में मैं बीमार होता था तो अम्मी पूरी रात नहीं सोती थी, लेकिन आज अम्मी ने खुद मुझे बीमार कर दिया, मुझसे रहा नहीं जा रहा अब घर में। मैं परेशान हो चुका हूँ अम्मी के तौर तरीके से, बर्ताव से बिल्कुल बहुत परेशान हो चुका हूँ मैं। अम्मी पता नहीं क्या चाहती हैं, अम्मी रहना नहीं चाहती हमारे साथ। अब ये अम्मी कहती है कि मुझे बाहर जाने नहीं देते, मुझे इंडिपेंडेंट लाइफ जीने नहीं देते। जब मैंने इन्हें कहा कि मैंने अपनी वाइफ को यही कहा कि आप जो बोले अम्मी आपको सर उनका हुक्म मानना है, अम्मी बाहर गई तो मुझे क्या पता था बाहर जाके भीख मांगेंगी। इनके इतना बड़ा इल्ज़ाम लग गया कि आज बाहर गई तो मेरे घर से ही गई है ना, तो सबसे बड़ा नहीं, मुझे भी सुन के बड़ा ही दुख हुआ, सच्ची जो बात है। हाँ जी, अब ये आपकी कहानी सुनी है तो ये अदर स्टोरी है। हाँ पूरी खिदमत, मैं तो आई वाज शॉक्ड के भाई, अम्मी कहती है कि मुझे दवाई नहीं दिलाता, मैंने अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अम्मी का दवाई, मैंने तो डिसाइड किया था कि आपको कोई लंबी सजा दे दें, मगर अम्मी मानने के लिए तैयार नहीं थी। और मैं तो बड़ी शर्म की बात है कि ये हमें बचपन से जानती है कि हम किस तरीके से रहे, शर्म किसलिए दिला रहे हैं? इसलिए कि आप हमें यहाँ पर लेके आइए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप हमें यहाँ लेके आए। तो करना चाहिए था आपके सामने, हम लोग पले बड़े हैं घर में, पले बड़े मोहल्ले में, आप पहले हमारे पास आती, हमारी माँ को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया आपने, हम तीनों बहन भाइयों के माँ के सामने गेस्ट खड़ा कर दिया, आप हमसे कंफर्म नहीं कर सकती थी, आप तो समझा सकती थी अम्मी को, ये आपने हमें कोर्ट में घसीट दिया। मैं ससुराल वाली हूँ जैसे आप, बच्चे मेरे ससुराल वाली क्या सोचेंगे कि आपके घर का ये माहौल है, बेटियों को कोर्ट में बुलाते। हाला आप तो समझदार हैं, आपने अपना घर बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ है, मगर हम इतने छोटे छोटे, हमें आप समझा देती। हमारे रिश्तेदार दोस्त अहबाब हमसे सवाल कर रहे हैं, तुम्हारी माँ ने तुम पे केस कर दिया है। जैसा आप मुझे ये बताएं, जिनकी माँ रोड पे भीख मांग रही है उनके बच्चे इतने मुतमईन और खुश होके बैठेंगे, इसके गेटअप से आपको लग रहा है कि ये अपनी माँ के लिए? ये आप गलत बात कर रहे हैं, ये गलत बात कर रही है आप। अगर मेकअप करके माँ के लिए बैठी हुई है आप,
मुझे बताइए कहाँ से लग रहे हैं बच्चे, जब ये आज यहाँ इतनी बदतमीजी अपनी माँ के साथ कर रहे हैं। बदतमीजी नहीं करने में और सच बयान करने में फर्क होता है। नहीं आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रही हैं। गलत हो नहीं सकती है, मैं इनको हमारी बात को हमारे पास लेके आई होती तो हम मामले को पेचअप करते, आप मामला पेचअप कराती, लेकिन आपने अदालत में केस कर दिया बच्चों के आगे और बच्चों को मार के आगे, जज साहब इन्होंने लाके खड़ा कर दिया, सारा कसूर उनका है। कौन सी जायदाद की बात कर रही है? एक मिनट मेरी बात सुनो जज साहब, तुमने खुद तकसीम की है, हमारी क्या जायदाद हो गए, फ्लैट से शिफ्ट हुए हुए, हमने क्या क्या सर्वाइव करा, किन किन चीजों को फेस करा, खाला को नहीं पता, खाला ने सिर्फ एक जगह से बात सुन के और खाला बोलना शुरू हो गई, यहाँ खाला को नहीं पता सच्चाई। अगर इन्हें इतनी प्रॉब्लम है, आप 2 महीने तो बहुत दूर की बात है, आप 5 दिन रखें, हम जितना खर्चा होगा हम तीनों बाहर में दुकान के लिए आएंगे। अगर आपको इतना हो रहा है तो हम आपको आपको चले एक ब्रेक लेते हैं, चले खाला 2 मिनट रुक जाएं, हाँ तो ये ब्रेक लेते हैं, फिर आपको यही से शुरू करते हैं। अच्छा ब्रेक से पहले आपसे गुफ्तगू हो रही थी तो आप फरमा रही थी पूरा इनका जी। जैसे कि ये कह रही है कि हमारा फ्लैट था जी और उस फ्लैट में हम रहते थे, वो सेल कर रहा था, वो मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाई है, वो फ्लैट भी इन दोनों भाइयों ने सेल कर दिया, सेल करके उसके पैसे भी इन्होंने खा लिए। खा नहीं लिए, पहले इनसे पूछते हैं, ये जो आपके मियां के साथ आप जो रहती थी तो वो घर आपके मियां का था? जी मेरे मियां का था। अच्छा, उन्होंने जाहिर है मेरा हिस्सा भी उसमें था। हाँ, फिर उस घर का क्या बना? उस घर में हम मौजूद थे, ये बच्चे भी मौजूद थे, इन बच्चों ने मुझे नहीं पता पेपर लेकर आए एक दिन ही बड़े वाले, कहेंगे अम्मी जरा इसमें सिग्नेचर कर दे। अच्छा, क्या है? कहना अम्मी मेरे काम के हैं और वालदा के कागज मुझे जमा करा दे। मैंने सिग्नेचर कर दिए, मैं सीधी सादी औरत, अब मुझे नहीं पता कि दोनों भाई या तीनों बहन भाई क्या चालाकियां कर रहे हैं, मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया। फिर ये बहन के पास लेकर गए, ये बहन से मशवरा करते हैं, बहन छोटी जरूर है मगर उससे मशवरा करते हैं, उसकी अकल बड़ी है जी। उसने क्या मशवरा दिया मुझे नहीं पता, इन्होंने वो सब चीज़ अपने नाम कर ली, मैं बेबस बेआसरा, अल्लाह मैं क्या करूँ, किस तरह करूँ, और ये इस तरह से तीनों जमा होकर जब बोलते हैं ना, यही देख लें आपके जिस तरह चीखना है कि अब ये बताएं कि नक्कार खाने में तोते की सदा कौन सुनेगा? अभी सुन रहे हैं ना, हम सुन रहे हैं ना, मैं अकेली इनके साथ में कैसे बहस करूँ? नहीं नहीं अभी करते हैं ना बहस। ये आज मेरी हमदर्द अगर मुझे यहाँ तक ना लाती, आपकी अदालत तक ना लाती तो मैं शायद इंसाफ मांगने भी ना आती, मगर मुझे इंसाफ चाहिए जय साहब। अच्छा बच्चों ये जरा फ्लैट की कहानी सुनाए, ये जो वालिद साहब का मकान था ये फ्लैट था या घर था? जज साहब ये एक फ्लैट था। अच्छा, जो के बड़े भाई के नाम पे था। अच्छा, तो ये वालदा के, वालदा ने खुद हमें तकसीम किया है, अब ये पता नहीं किस चीज के, उन्होंने क्या कहानी सुनी है हमें खुद नहीं पता नहीं, है किस व्याह पे, आपने खुद तकसीम किया है? जज साहब मैंने खुद तकसीम करा है और दोनों भाइयों ने करा है, मैं तो बीच में हूँ भी नहीं। अब सब चीज आपको दिया भी कुछ नहीं है? नहीं मुझे कुछ नहीं मिला है। आप कभी खा गए? भाइयों ने खुद और अम्मी ने खुद दोनों भाइयों ने, मुझे तो कुछ नहीं मिला है, दोनों भाइयों ने करा, मशवरा इससे लिया है मगर दोनों भाइयों ने करा। अम्मी आपके मशवरे से, आपके मशवरे से आप ही को निकाल दिया? नहीं जैसा हम लोग मशवरा जरूर करते हैं मगर अम्मी को ऐसा लगता है कि हम अम्मी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, अम्मी के खिलाफ बात कर रहे हैं, या मैं भाभियों को भड़काती हूँ, मैं भाइयों से कुछ गलत बयान नहीं करती हूँ, अम्मी इस चीज को समझती नहीं है, ये हमारी है अम्मी है, हम क्यों इस तरह से करेंगे? साहब हमारी वालदा से आप पूछ लीजिए, हम तो बुरे थे, इनके शौहर तो आज भी जिंदा बैठे हैं, ये सड़कों पे भीख मांग रही हैं अपने शौहर के पास, आपके अब्बा हयात हैं अपने, जी जी हमारे छोटे चाचा के पास है, पैरालाइज हुए हैं। अच्छा वो पैरालाइज भीख मांग रही हैं, इनके तो वहां होना चाहिए, ये क्यों भीख मांग रही है सर? वो मेरे और हमने भीख मांगने पे इन्हें मजबूर नहीं किया, हम तीनों बहन भाई बारी बारी इनको अपने घर लेके आए, लेकिन इनके रंग ढंग ऐसे थे, हमारी बीवियों ने हाथ जोड़ दिए कि खुदा के वास्ते इस औरत को निकालो बाहर, और मैं तो जज साहब रख भी नहीं सकता था, मैं तो ससुराल पे डिपेंडेंट। आप तो खुद डिपेंडेंट है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा तुम ससुराल में रहती हो, लेके ये शहजादा रह जाता है नीचे? सर हम रखने के लिए तैयार थे, लेकिन अब मेरी वाइफ भी परेशान हो चुकी है, रोज का यही माहौल, रोज के चिक चिक, रोज के चिक चिक, उसने कहा आपके तो, बच्चे कितने हैं बेटा? जी मेरी अभी कोई औलाद नहीं। औलाद नहीं है मेरे अभी, यार तुम कर सकते हो खिदमत। अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा तुम्हें वाइफ बदल के दे दें? मेरी वाइफ कह रही है कि मैं अपनी रखना, हालांकि वो नहीं, तो तुम्हें वाइफ बदल देते हैं कि दूसरी ले लो? नहीं जज साहब अम्मी को नहीं बदल सकती, साथ ही रहना है, अम्मी वही चाहता था कि अम्मी को भी साथ रखूं। जज साहब जब इनका फ्लैट था तो इन दोनों ने क्यों बेचा?
बेचा क्या, अम्मी ने खुद तकसीम किया, आपको तो पता नहीं है, आपको झूठी कहानियां सुनाई है। अच्छा चले इधर की कहानी सुने, आपको गलत ब्रीफिंग दी गई है। चुप कर लो तुम लोग। अच्छा मुझे एक बात है, यहां पर चुप रहिए, यहां पर चुप रहिए, बोलेंगे किधर नहीं बोलेंगे, जस्ट चुप कर दे जबान नहीं, सच को सच को देखो बेटा, बात ये है नहीं, हमारी बात हम पे केस नहीं करते, केस आपने करवाया है। पैसा दो, कहां है कौन सा पैसा, किस बात का पैसा, घर में जाए पैसे की आपको क्या फिक्र है, झूठे हैं ये तीनों झूठे हैं, इनके पास था सारा इनका पैसा, ये खा के बैठे हुए अभी ये रोड पे आ गई है, ये भीख मांग रही है, तो खाना किस तरह से खा रही है, आप इनकी हालत कैसी थी आपको मैं बयान नहीं करेगी, तो भीख नहीं मांगेगी तो क्या करेगी बताइए मुझे, पेट भरने नहीं, वो तो खैर अपनी जगह है, लेकिन बात मुझे तो असल में अभी तक तो मैं दुख से ही बाहर नहीं आ रहा हूँ, कि ये जो मुझे कहानी सुन के बड़ा दुख हो रहा है, समझे। अच्छा आप बताओ बेटा क्या पोजीशन है, साहब मैं तो यही चाहता हूँ कि ये जो अच्छा ये पैसे जो फ्लैट आप लोगों ने बेचा क्यों, बेचा इसलिए था कि वालदा ने खुद कहा था कि आप अपने खुद मुख्तार हो जाएं, आप छोटे रुको जस्ट साहब, मैंने शादी पसंद से की, मेरे पास बिल्कुल रुपया पैसा नहीं, इनको मेरी बेगम पहले दिन से ही पसंद पसंद नहीं थी, नहीं थी, इन्होंने शादी पे अब्बा तो ये दबे हुए ही थे हमेशा से, वो बेचारे क्या करते, मैंने अपना फ्लैट बेच के अपनी बेगम के लिए थोड़ा बहुत जेवर वेवर तैयार, अच्छा आपका कोई अपना खाता है तो आंख तो शर्माती है, अच्छा मैंने बेच दिया यही वाला फ्लैट जो अब्बा का था, और माँ को घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर नहीं निकाला, आप ये झूठे अल्फाज यूज कर रही है, घर से बाहर नहीं निकाला, यही तो बात है। अच्छा ये जब ये फ्लैट बेचा तो ये क्या प्लान हुआ, उस वक्त बेटा तुम्हारी शादी हुई हुई थी, उस वक्त नहीं हुई थी, हो गई थी, अच्छा आप अपने घर में थी, तो उस वक्त फिर क्या सोचा था कि अम्मा और ये कहाँ रहेंगे, दिमाग में प्लानिंग आई थी, आप तो शादी कर रहे थे अलग फ्लैट में, हमने यही सोचा था कि वालदा जो है अब्बू के साथ रहेंगी, उनकी खिदमत करेंगी, उन्होंने खुद कहा था, वालद साहब ने खुद कहा था कि अब आप लोग खुद मुख्तार हो, मैं मेरा बुढ़ापा है बेटा, मैं रह लूँगा अपने भाई के साथ, आप लोग अपनी ज़िंदगी देखें, आप लोग अब मैंने इतना कर दिया है आप लोग के लिए, बस आप खुद अपना करें, जो होगा अब आप देख लेना, बट वालदा का रवैया तो ऐसा नहीं है कि हम अपने साथ रख सके, मैं कहना नहीं चाह रही थी, मगर ये जिक्र खुद लेकर आए कि हमारे बाप को तंग करा, हमारे बाप जो है वो अलग हैं, पैरालाइज हुए हैं, इन्होंने मुझे तो निकाला निकाला, मगर उस मजदूर को भी चाचा के घर छोड़ दिया, चाचा के घर छोड़ा, चाचा होम लेके गए, किसी के तो बनते गए, चाचा उनको लेके गए, अब्बा हमें बोल के गए कि हम खुशी से गए, चाचा लेकर गए हैं माँ को निकाल दिया, ये तो आपका, मैं कहता हूँ कि बड़ा जन्नती चाचा है, उस चाचा की भी कोई बीवी होगी तो वो तो नहीं कहती कि अपने भाई को निकालो, मजदूर भाई, यही तो जज साहब मैं कह रहा हूँ, ऐसी औरतें भी इस दुनिया में हैं, जज साहब अगर आप लोग बाप को रहना चाहते उनके साथ, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही कि माँ हमारी बीवी भीख मांग रही है और चाहते हैं कि बढ़ चढ़ के वालदा की खिदमत करें, लेकिन वालदा खुद नहीं चाहती और रोज परेशान करती है, आप लोग निकालोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे तो जालिम औलाद थे, आप हैं मैडम, आप बात सुने जी, ये तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें जी, ये अदालत है, यहाँ दोनों पार्टियों की सुनी जाती है जी। अच्छा बहन आप जो बात लाई है, खैर मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आप इनको लेकर आई हैं, कम से कम इस बात से ये मसला तो उजागर हुआ, इनका तो मसला है ही, मगर हम यहाँ के तवस्सुत से ये और हज़ार घरों में भी ये इसी तरह के मसाइल होते हैं, और हमारा मकसद यही होता है कि एक तो जिसका मसला आए उसका हल करके दें, दूसरा ये है कि जो हज़ार मसाइल दूसरे घरों में हैं वो लोग इसको देखकर सबक हासिल करें और गाइडलाइन लें कि हमने किस तरह से ये मसला रिजॉल्व किया है, वो अदालतों में आने के बजाय अपने घरों में बैठ के अपने मसाइल को इन फैसलों की रोशनी में हल करें, क्योंकि मैं भी जो फैसले करता हूँ मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में कानून के मुताबिक हल करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को अदालतों में ना जाना पड़े, और अगर अदालत में जाएंगे तो फैसला तकरीबन वही होगा जो मैं यहाँ करता हूँ, तो आप लोग इससे सबक सीखकर अपने मामलात को अपने घरों के अंदर रिजॉल्व करें। अब खातून मैं आपसे मुखातिब हूँ, देखें वो कहते हैं ना कि वो तुम भी खफा हो लोग भी बरहम हैं दोस्तों, अब हो चला यकीन के बुरे हम हैं दोस्तों,
तो अब आप थोड़ा सा अपने ऊपर भी नज़र सानी करें, आप माशाल्लाह बुज़ुर्ग हैं, तो आपको भी अपने आप को देखें, हालात के साथ साथ जो है वो सेट होना पड़ता है। सही कहा आपने, आप ठीक है ना, तो उसी हिसाब से इंसान को चलना पड़ता है। तो अब आपने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है माशाल्लाह, शादीशुदा जिंदगी गुजारी है, तीन माशाल्लाह खूबसूरत बच्चे पैदा किए हैं, फिर आपने उन बच्चों को रेज किया है, जितनी भी तालीम दिलवाई है उनको, सेट हैं माशाल्लाह, देखने में ठीक लग रहे हैं, तो आपकी तरबियत भी सही थी। अब ये कब हालात शादियों के बाद हर घर में बदल जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ तो वर्स्ट हो गए हैं, ऐसे भी नहीं बदलते जिस तरह आपके यहाँ बदले हैं। तो उसमें कुछ थोड़ी सी कमज़ोरी आपके बच्चों में भी रह गई है, और कुछ मैं सोच रहा हूँ कि अब बहन यहाँ बैठी है ये बताएगी कि थोड़ा सा इनको भी हैंड ब्रेक लगानी है। देखें, ताली दो हाथ से बजती है, हर औरत सास बनती है। देखें, मलका एलिजाबेथ पे भी सास बनी, अब वो तो पावरफुल थी ना, तो उसने बहू को बाहर से निकाल दिया घर से। अब ये आंटी पावरफुल नहीं है, ये तो बहू को नहीं निकाल सकी, ये खुद निकल गई। अब वो उसने तो अपनी शादी करने के लिए घर भेज दिया, अब वो उसकी शादी भी ऐसी है कि एम्प्लॉयमेंट टाइप की शादी है कि उसको तो रोटी कपड़ा और मकान मिल गया, उसको आपको तो दर बदर कर दिया, उसने शादी करके अपने लिए रोटी कपड़ा मकान का बंदोबस्त कर लिया, तो घर दामाद हो गया है। मुझे ही मुझे दे इल्जाम ठहरा रहा है, ढिटाई देखें कि इल्जाम भी मुझे ही दे रहे हैं, ढिटाई दे रहे हूँ, मैं ही भीख मांग रही हूँ, इनको इतना ख्याल नहीं कि इन्होंने ढूंढने की कोशिश की, चले मैं खुद चली गई थी, अब निकाल दिया था, ढूंढने की कोशिश की, खाना नहीं छोड़ा, कोई ईदी चीपा सैलानी कुछ नहीं छोड़ा, जब नहीं मिल रही तो क्या करें, अलादीन का चिराग हमारे पास भी नहीं, थकार के क्या आपके पास एक खाला है ढूंढ के ले आई, आपको मिल गई, ये तो मार्केट गई हुई थी, मॉल के बाहर इनको कोई जी, तो हम अभी अम्मी घूमी भी हम मार्केट में जाए, हमें ढूंढने निकले थे, हमें आप अपने घर के मुझे आपसे शिकायत है, हमारी मुझे शिकायत है, मैं हमेशा बानो को माँ से लड़वा दिया है, पहले से ही लड़के माँ को घर से बाहर निकाल अच्छा बानो आपा ये बहुएं तो सारी बुरी हैं, वो शौहर बेचारे का क्या कसूर था, शौहर पैरालाइज है, उनको तो पहले बेटों को देखना चाहिए जिसके जवान बेटे, चलिए एक ब्रेक लेते हैं फिर उनका भी देखते हैं। अच्छा जी, वक्त से पहले आपसे बात हो रही थी आपके शौहर के बारे में, आपने कहा वो पैरालाइज हैं, तो पैरालाइज शुरू से तो नहीं थे ना जी। वो तो आपके साथ रहते थे जी। कभी कोई काम भी करते होंगे, कमाते भी होंगे, जाहिर है बच्चे उन्होंने बड़े किए हैं, तो फिर क्या हुआ कि वो पैरालाइज हो गए तो आपने उनको फारिग कर दिया? नहीं, मैंने उनको क्यों फारिग कर दिया, हाँ वो खुद इनका कहना मानते हैं, जो ये कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं कि चाचा के यहाँ रहो तो मैं क्यों रहूँ, जब मेरा अपना घर था सब कुछ था, तो मुझे क्यों कहीं रखा जा रहा है? देखिए, ये आपके इससे मैं तो थोड़ा सा रहूंगी ना, अपने बच्चों के साथ रहूंगी, आपके, मगर बच्चे इस काबिल नहीं समझ रहे। आपके केस के तवस्सुत से जी। मैं एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी देना चाहता हूँ, और तमाम उन वालदैन को ये मेरा मैसेज है, आज के हालात देख रहे हैं, जो अपनी प्रॉपर्टियाँ अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, और खुद फिर बैग लेके वो माएँ घूमती रहती हैं, दो हफ्ते एक बेटे के यहाँ, फिर दो हफ्ते एक के यहाँ, फिर एक हफ्ता बेटी के यहाँ, फिर क्या है कि उनका कोई घर ही नहीं होता, उनका घर वो बैग हो जाता है जिसे साथ लेकर वो तीनों चारों घरों में घूमती हैं। तो ये मेरी एडवाइस है आपसे, अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी ज़िंदगी दे, आपकी मोहब्बतें का परवान चढ़ाए, मगर
अपनी प्रॉपर्टी अपनी जिंदगी में बिल्कुल किसी को आप ट्रांसफर नहीं करें। मेरी अम्मी एक कहानी सुनाती थी, वो कहती थी कि एक कोई औरत थी बूढ़ी, वो हर वक्त एक पोटली जो है अपने सीने से लगा के रखती थी और उसने इम्प्रेशन ये दिया हुआ था कि उसका सारा जेवर जो है वो इस पोटली में है। तो वो वॉशरूम भी जाती थी तो वो पोटली जो थी वो अपने साथ ले जाती थी। उस पोटली के चक्कर में उसकी सारी औलादें उसकी हर वक्त खिदमत करती थी, हर कोई कहती थी कि अम्मी मेरे साथ रहेगी, वो कोई कहता था मेरे साथ रहेगी, उनका मतलब था कि जहाँ अम्मी मरेगी पोटली वहीं रहेगी, उनके काम आ जाएगी। नतीजा ये हुआ कि वो इसी तरह अपनी पोटली रखती रही और उसकी सब खातरें करते गए, कभी एक जगह रहती कभी एक जगह रहती, आखिर एक दिन वो फौत हो गई। जब वो पोटली खोली तो उसमें सिर्फ पत्थर थे। तो वो खातून इतनी समझदार थी कि उस पोटली के चक्कर में उसने सबको पीछे लगाए रखा। तो आप लोग ये जो अपनी प्रॉपर्टियाँ अपने ज़िंदगी में अपने बच्चों के नाम करके और ख़ुद दर बदर हो जाते हैं माँ बाप, प्लीज़ फॉर गॉड सेक ऐसा ना करें। क्योंकि अगर आपकी बहुत मोहब्बत है दिल में, अब तो देखें सक्सेशन का मैटर अब नादरा में भी हो जाता है और कोई इतना कोर्ट में भी ना मसला लगता है ना कोई, 15 रुपये का टिकट लगता है टोटल और कोई मसला नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी अपने नाम भी छोड़ जाएंगे तो आपके बच्चों को अदालतों के ज़रिए सक्सेशन में मिल जाएगी। और मैं अदालतों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि सक्सेशन मैटर्स को प्रायोरिटी में चलाएं। और अगर हाई कोर्ट में और दूसरे कोर्टों में रश है तो मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि ख़ास ट्राइब्यूनल्स बना दें जहाँ रिटायर्ड जजेस हाई कोर्ट के सुबह 8 बजे से लेके और शाम को 5 बजे तक सिर्फ सक्सेशन मैटर्स का फैसला करें ताकि लोगों का ये मसला हल हो जाए। मैंने बेशुमार केस देखे हैं कि लोगों के लाखों रुपए बैंकों में पड़े हुए हैं, अब वो कोर्टों में बारी नहीं आती और वो बेचारे 100-100 रुपया उधार मांग रहे हैं और वो उनको पैसे नहीं है उनके पास। अगर वो सक्सेशन मैटर डिसाइड हो जाए तो नाजर वो पैसे निकलवा के उनको दे दें, उनमें बांट दे, फिर जिसने ज़ाया करने हैं वो ज़ाया कर दे, जिसने खर्च करने हैं खर्च कर दे, एटलीस्ट उनके माँ बाप का पैसा तो उनको मिल जाए बजाय वो दर बदर धक्के खाएँ और उधार मांगें। ATC के कोर्ट इतने ज़्यादा बन जाते हैं और बन जाते हैं, आप अगर सक्सेशन के भी थोड़े से ट्राइब्यूनल 15-20 बना दें। कराची 22 करोड़ आबादी का शहर है, यहाँ 20 ट्राइब्यूनल भी कम है। और आपको रिटायर्ड सेशन जजेस या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को उनका सरबराह बनाएं और वो आपका महीनों में ये काम कर देंगे, हफ्तों में बल्कि ये काम हो जाएगा। ये वाली परेशानियाँ माँ बाप की दूर हो जाएंगी जो अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर्टियाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं उसको दे रहे हैं। प्लीज़ फॉर गॉड सेक ये ना करें, अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम रखें। आप बस रख के अपने नाम फौत हो जाएं, फिर ये सक्सेशन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट को देने दें, आप इन चक्करों में ना पढ़ें, ये कोर्टों का मामला है, कोर्ट को खुद डिसाइड करने दें प्लीज़। ये पब्लिक सर्विस मैसेज सबके लिए है, ठीक है जी। अब आप तो भुगत रही हैं, मैं भुगत तो रही हूँ मगर मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है आपसे ज्यादा तकलीफ हमें हो रही है। सही कहा, मैंने जो कुछ अपना इनके नाम किया था ना, मुझे नहीं पता था कि ये मुझे रोड पर ले आएंगे, मुझे नहीं पता था कि मुझे दरबदर कर देंगे। ये तो माँ ये भी बुरी है, अब इन दोनों में से पूछ के मुझे ये बता दें आप कि इनको रखेगा कौन। अब ये तो नहीं, वो तो देखें वो तो बेचारा पहले ही माजूर है, वो कह रहा है मैं तो डिपेंडेंट हूँ बीवी पे, उसके खर्चे पे ये खुद रोड पे आ जाएगा, अम्मी अंदर हो जाएगी रोड पे आ जाएगा। अजीज है ही नहीं ना, वो कहते हैं ना क्या ऊंट खेमे में आ गया शेख बार आ गया सर। तो अब वो साहब अजीज है ही नहीं ना, तो ले देखे ये अपना शहजादा ही रह जाता है, खुद परेशान है। उसने आखिरी अल्फाज यही थे कि या तो माँ को रख ले या तो मैं चली जाए। तो बस बात ये है बेटा, फिर ये बड़ा आसान डिसीजन है अगर वो इतनी बड़ी चॉइस कर रही है कि माँ को या रख लो या मुझे रख लो। साहब मुझे तो मेरी बात सुनो, बीवी और मिल जाती है, माँ दूसरी नहीं मिल सकती, माँ जो बन गई बन गई, ये तो नई माँ तुम्हारी इस उम्र में बन नहीं सकती, ठीक है ना। तो ये चॉइस बीवी को बता दो, उसे को भाई बात सुन लो मैडम, अगर रहना है तो मेरी माँ रहेगी मेरे साथ, आप बेशक अपनी माँ के पास चली जाएं, मुझे माँ को साथ रखना है। ये सारे बेटों के लिए मैसेज है जिनकी बीवियाँ ये धमकियाँ देती हैं कि या माँ को रख लो या मुझे रख लो। मैं सबको बता रहा हूँ कि आप फौरन बता दें कि देखो माँ दूसरी नहीं मैं ला सकता, जो मिल गई वही मेरी माँ है, बीवी मुझे घंटे में दूसरी मिल जाएगी, बहुत मिल जाएंगे रिश्ते इस वक्त। तो मेरे भाई आप जवान हो खूबसूरत हो चिस्तमंद हो,
अगर बीवी छोड़ के जा रही है उसको खुशी से जाने दो, बजाय झगड़े करो। माँ को आपकी रोड मैं नहीं छोड़ सकता। जैसा ये मुझे ये बताइए इन हालात में मेरा फैसला मैं क्या करूं? हो सकता है लोग इसको पसंद ना करें, ये बहुत गलत मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मजबूरन करना है कि इस तरह के बेटों को और इस तरह की बहुओं को नसीहत देने के लिए जो सगी माओं को सड़कों पे मॉल के बाहर भीख मांगने के लिए छोड़ रही हैं, तो फिर ऐसी बीवियों को उनके मेके भेज दें। बस आप रोए नहीं, आपकी तरफ से हम रो रहे हैं। देखा नहीं जाता लेकिन वालदा का रोज का हो गया जैसा। हाँ वो मैं समझ गया, इनको भी ठीक करना पड़ेगा। फैसला तो अभी किया नहीं है, अभी तो सर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी हैंड ब्रेक लगानी है। ऐसा नहीं है कि आपका मियाँ भी बुरा है, बड़ा बेटा भी बुरा है। अच्छा बेटियां तो माओ की साथी होती हैं, आपकी बेटी भी बेचारी परेशान है। सच्ची बात है, ये मैंने पहला केस देखा है जिसमें बेटी भी तंग है और फिर ये बहुत होती है। सब परेशान है, जिस जिसने इन्हें रखा है सब परेशान है। मैंने कहा ना कि नक्कार खाने में तोते की सदा कौन सुनेगा। मैं तीन ये झूठ बोलने पर मैं कहां से सफाई पेश करूं, कौन सी ऐसी चीज लाऊं जो मेरी सफाई पेश की जाए? ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। सरासर हमारी अम्मी है, ये गलत भी बोलेंगी तो हम इनकी बात सुनेंगे। मैं समझ गया। नहीं अब बात क्या है ना, वो तो कहेगी। तो अब बात ये है कि आपकी तरफ भी थोड़ी तवज्जो दी जा रही है कि आप भी कुछ थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करें। ठीक है, जब मैंने सच्ची बात है खाला ने आके जब ये सुनाया सारा किस्सा, मुझे तो आप यकीन करें कि बहुत सख्त तैश आ गया कि इसमें क्या किया जाए। लेकिन जब बच्चों की बात सुनी तो फिर थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ। अच्छा अब ये है कि थोड़ा सा आपका इंतज़ाम करते हैं, आपको भीख नहीं मांगने देंगे, लेकिन आपको भी कुछ थोड़ा सा अपने आप को दुरुस्त करना है। वो बात छोड़ दें कि तोती की आवाज़ कौन सुनता है नकार खाने में। जैसा मुझे इनसे मेरी प्रॉपर्टी के जो है मेरे जो वाजबात हैं वो इनसे दिलवा दें। नहीं वाजबात तो अब ये आगे पीछे कर गए हैं, अब ये आपको रख ही लें। लेकिन अब ये आगे पीछे कर गए और मुझे जी मुझे बर्बाद करके ही खुश हैं, मुझे भीख मंगवा के खुश हैं। अब ये तो मजबूर हो जाते कि हम बीवियों के साथ हैं। हम उनको ऐसे नहीं रहने देंगे, आपको खुश करेंगे। लेकिन अच्छा बहन आप थोड़ा सा इसमें हमारी मदद करें कि आपने सारी बात सुन ली है दोनों साइडों की। पहले तो जाहिर है कि आपने एक ही साइड देखी थी, तो जाहिर है आपका भी मेरी तरह ही जहन हो गया और आप इनको घर ले गई वो किया। और फिर अब थोड़ा सा आप देखें, आपने बच्चों की भी सुनी है, अब आप भी खातून हैं तो थोड़ा मशवरा दें हमें क्या करें। इनको किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजें ताकि मैं चाहता हूं कि इनका भी थोड़ा सा कोई नफसियाती इलाज हो जाए। सारी बहुएं बुरी नहीं होती, हर घर में बहू है और बहुएं घर चल रहे हैं, कामयाबी से चल रहे हैं। ठीक है वो ठक ठक लगी रहती है, लेकिन ऐसी ठक ठक नहीं कि माँ को ही घर से निकाल दें। अब जैसा मैं तो यही कहूंगी कि ना इनका बड़ा बेटा रखने को तैयार है और ना इनका छोटा बेटा रखने को तैयार है। बेटी अपने ससुराल की है वो भी नहीं रख सकती, तो आप या तो नहीं, नहीं, छोटे को तो रखना पड़ेगा। लेकिन पहला तो सवाल ये है कि रखने से पहले आंटी का किस तरह से करें, आंटी को भी तो रिकंडीशन करना है ना। सर मैं फिजिकली दिमाग से सही हूँ, ये मुझे पागल करार दे रहे हैं। आपका दिमाग माशाल्लाह बहुत सही चल रहा है, मुझे पागल करार दे रहे हैं, मुझे पागल कर रहे हैं। मैं करार नहीं देने दे रहा, आप गुफ्तगु आप गुफ्तगु समझ चुप रहो। देखें आप गुफ्तगु समझती हैं और गुफ्तगु समझती हैं, गुफ्तगु का जवाब भी देती हैं और उसमें पार्टिसिपेट भी करती हैं, तो बाहर तौर पे तो आपके जहनी हालात बिल्कुल दुरुस्त हैं। अब ये जो थोड़ा सा आपकी बहुओं से नहीं बनती, बेटी से भी नहीं बनी, तो ये कुछ थोड़ा सा आपके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। इस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को कैसे ठीक किया जाए उसके लिए बहन से मशवरा कर रहा था, क्योंकि जाहिर है ये भी एक खातून है तो कुछ मेरे असिस्ट करेंगी फैसला करने में। ये आप बताएं कि आंटी को कैसे, आपकी भी तो कोई सास होगी ना, वो भी तो आपके साथ रही होगी। जी बिल्कुल। आपने अपनी सास को तो घर से नहीं निकाला ना। नहीं जी बिल्कुल। आपने अपने मियाँ से भी गुजारा किया और सास से भी किया, नंदे भी होंगी। जी बिल्कुल। हर घर में नंदे भी होती हैं, सास भी होती है, भाभियाँ भी होती हैं, देवरानियाँ भी होती हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये आंटी वाला मामला हो जाए कि सबको आउट कर दें। तो अब आप थोड़ा इससे मशवरा दें कि क्या किया जाए आंटी का।
मैं जैसे दोबारा से जज साहब आपसे कहूँगी कि जैसे ये कह रहे हैं कि इनकी बीवी इनकी माँ को नहीं रखेंगी, छोटा वाला कह रहे हैं मेरी बीवी छोड़ के चली जाएगी, तो मैं फिर यही कह सकती हूँ जज साहब कि आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं इनको अपने साथ रखने को तैयार हूँ। वो तो खैर बहुत बड़ी आपने, क्योंकि मैं इन बानो आपा को नहीं छोड़ सकती। अगर आप ये फैसला करते हैं, आप इजाजत देते हैं, तो मैं इनको अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ी बात की आपने। चले मैं तो सर जो मेरा फैसला था आपको सुना देता हूँ। मेरा तो उसको यही फैसला था जो छोटे के लिए कि भाई अपनी बीवी को अल्टीमेटम दे दो कि अगर रहना है तो मेरी माँ के साथ ही रहना है, नहीं रहना नहीं। तो जैसा वो कह रहे ना, मुझे अपनी जिंदगी भी तो जीनी है। अब ये अगर अपनी माँ को लेके जाते हैं, एक को छोड़ेंगे तो दूसरी लेकर आएंगे, तो फिर कोई ना कोई मसले खड़े हो जाएंगे, फिर ये बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे। जब तक, क्योंकि अब इन औलादों से कोई उम्मीद नहीं है, तब तक हमारा घर नहीं बच सकता। ये देख अगर वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगी तो मैं रखने के लिए तैयार। फिर ये कर सकते हैं कि आप इनको साथ अगर रख रही हैं, बहुत बड़ी बात है आपने ऑफर दी। मेरे तो दिमाग में इस तरह की बात नहीं थी कि मैं आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दूं। अच्छा, अगर आप ये वॉलंटियर कर रही हैं, फिर इस दौरान जब आप इनको रखें तो फिर इस दौरान इनका थोड़ा ब्रेन वॉश करें, जो इनका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ना, उसको थोड़ा सा पुर्जा बदल दें ताकि ये भी फिर नॉर्मल हो जाए। ठीक है ना, कि हर वक्त औलाद ही बुरी नहीं होती। अब आपने देख लिया हालात, तो इस हालत में फिर फैसला तो अब आपने खुद ही कर दिया है, मैं क्या फैसला करूं। लेकिन देख लें, आप भी जज्बाती तौर पे तो नहीं कर रही हैं फैसला। नहीं नहीं जैसा, मैं बिल्कुल आपकी अदालत में होशो आवाज में ये बात बोल रही हूं। बस ठीक है, फिर अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। ये बानो आपा नाम है जी, तो बानो आपा फिर ये तो ये जन्नत की औरत है। और इन्होंने अच्छा, आपके शौहर की तरफ से तो आपको कोई मसला नहीं होगा इनको रखने नहीं, के लिए? बिल्कुल भी नहीं, सब ठीक है, वो अच्छे आदमी है। चले अल्लाह उनके रिस्क में इजाफा करेगा। मैंने अपनी आंखों में देखा है कि जो लोग इस तरह के नेकी के काम करते हैं, अल्लाह ताला उनके रिस्क में भी बरकत डालता है और रोजी में इजाफा करता है। तो देखे ना, इसको पैदा किया अल्लाह ने, तो इसका खाने पीने का इंतजाम अल्लाह के जिम्मे है। तो अगर आप अपने जिम्मे ले रही हैं तो अल्लाह ताला इसके हिस्से का आपको देगा। मेरे पास एक केस था, वो एक बाप है, अपने बच्चों की ना फीसें देता है जी, ना उनका मेंटेनेंस देता है, और वो बेचारे बूढ़े नाना के पास रहते हैं और वो नाना उन सब का खर्चा देता है। मैंने उस बाप को बुला के कहा, मैंने कहा बदनसीब इंसान, इन बच्चों को अल्लाह ने पैदा किया है, इनका रिस्क भी पैदा किया है, तूने नाना के ऊपर छोड़े हुए हैं ये रिस्क इनके हिस्से का, अल्लाह ताला इनके नाना को इस 70 साल की उम्र में दे रहा है, अगर तुम इन बच्चों को रखते तो ये रिस्क तुम्हें मिलता। तो यही बात आपको बता रहा हूँ कि आप इनको रखेंगी तो ये रिस्क जो है अल्लाह ताला आपको देगा। और ये मैं मैसेज भी तमाम उन बापों को दे रहा हूँ जो बच्चे पैदा करके अबैंडन करके भाग जाते हैं कि खुद ही नाना पालेगा, तो उनको बता रहा हूँ कि अगर तुम उन बच्चों को पालो तो अल्लाह ताला उनका रिस्क तुम्हें देगा। बस फिर इसी बात पे आज फैसला करते हैं। बेटा आप लोगों के लिए फिर ये है कि ये नहीं कि आपने बाजी ने रख लिया है तो लावारिस है, आपने वालदा से रابطہ रखना है जी, और ये अगर ये एबिलिटेशन उनकी कर रही हैं, अगर वो ठीक हो जाती हैं, देखें फिर मैं आपको बता दूं कि अगर वो फिर थोड़ी बेहतर हो जाती हैं तो फिर ये इसी छोटे के पास रखवानी है। जैसा भी ये फैसला तो ये खुद कर सकेंगी जब ये मेंटली, जब तक आप इनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ बस ठीक है ना, क्योंकि अब जाहिर है मैं सारी जिंदगी के लिए तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं डाल रहा जी। इनको फिर अपनी औलाद को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। भाई आप भी जवान आदमी हो, कब तक बीवी पे पड़े रहोगे? कुछ हाथ पैर मारो, कोई काम शुरू कर दो। कल आप अगर अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो आप भी लुक आफ्टर कर लेंगे। ये है साहब, ये कुछ कर ही तो नहीं सकते, जब भी तो कुछ कर ही तो नहीं सकते, जब भी तो माँ को भी नहीं रख सकते। अगर ये कुछ कर करने के काबिल होते तो बीवी क्या के बोलते ना? कोई काम कर लो, कुछ जरूरी नहीं है कि नौकरी हो, आप जाके कोई स्कूटर ठीक करने का ही काम सीख लो, वो भी बड़े पैसे कमाते हैं। बिजली का काम सीख लो, कोई ना काम, कोई आमदनी के लिए जरिया तो होना चाहिए ना। ठीक है, ऐसे बीवी का बोचा ओचा लगाने से तो आदमी जिंदगी नहीं गुजरती। जैसे बड़े फखर से कहते हैं कि मैं तो जोरू का गुलाम हूँ। नहीं नहीं, गुलाम नहीं है, कल आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे वो भी देखें आपको। मकफाते हमारे जैसे आप, मकफाते हमारे, आज मैं बाहर हूँ, आज मैं भीख मांग रही हूँ, कैसे भी खा रही हूँ, किसी ने मुझे सहारा दिया, मकफाते हमारे, कोई बात नहीं।
मुझे इसका डर नहीं है। कोई और औलाद होती किसी के कहने पर आकर खड़े हो जाते कि नहीं जज साहब हम रखेंगे अपनी माँ को, हो गई जो गलती होनी थी, मगर इनका सख्तपन अभी देख लें आप, अभी आपके सामने बैठे, इनके अंदर कोई जुम्बिश आई, कोई मोहब्बत उठी, कोई मोहब्बत नजर आई आपको? जितनी मेरे अंदर मोहब्बत है, मैं माँ हूँ, मुझे पता है ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी औलाद है, मैं आज भी इनसे सीने लगने के लिए तैयार हूँ, आज भी मैं इनके गले लगने के लिए तैयार हूँ जज साहब। मुझे खुशी नहीं हो रही कि मेरी दोस्त मुझे रखे, मुझे खुशी ये होती कि कुछ भी था इन्होंने मुझे बुरा कहा था, ये मुझे सीने लगाते कि माँ सब कुछ भूल गए चले आप। मैं भी दिल में मामला रखती हूँ, माँ के अंदर भी होना चाहिए ना कि वो अपनी औलाद को किस तरह से बस कर दो आसिफ। अब वो तो फिर बाजी करके वो तो आपको खुद पता चल जाएगा। चले देखिए फिर आप जहन में ये रखिए कि अल्टीमेटली आपने वहीं जाना है, आप जब तक इनको रिकंडीशन करें तो फिर इंशाल्लाह कर लेते हैं, ठीक है? चले जी, अदालत बर्खास्त होती है। आज का फैसला तो बहरहाल बाजी ने खुद ही कर दिया, हमने नहीं किया, लेकिन दुख हुआ है, सारा कुछ एक केस चला के खुशी नहीं हुई, अफसोस के साथ अदालत बर्खास्त।